महेश महाशिव पुराण की गाथा सुनने के लिए गुरुजी के सामने कक्षा चौकड़ी मारकर बैठ गया। उसके माता पिता किसान थे और उन्होंने उसका नाम भी भगवान शिव के कई नामों में से चुनकर बहुत प्यार से रखा था। बचपन से ही महेश भगवान शिव और उनकी महिमा सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता था और आज अपने गुरुजी से उनकी महान कथा सुनने के लिए वो बहुत उत्सुक था। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और गुरुजी से विनम्रता से कहा, गुरुजी कृपया पहले अध्याय का वर्णन कीजिए। ओम नमः शिवाय। पहला अध्याय सुनने से पहले तुम्हें ये जानना होगा कि शिव पुराण है क्या। शिव पुराण सभी पुराणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले पुराणों में से एक है। भगवान शिव के कई रूपों, उनके अवतारों, ज्योतिर्लिंगों, भक्तों और भक्ति का विशद वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। इसमें शिव के कल्याणकारी रूप का विवेचन, रहस्य, महिमा और उपासना का विस्तृत वर्णन भी है। शिव पुराण में शिव को पंच देवों में प्रधान अनादि सिद्ध परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। शिव महिमा लीला कथाओं के अतिरिक्त इसमें पूजा पद्धति, अनेक ज्ञान प्रद आख्यान और शिक्षा प्रद कथाओं का सुंदर संयोजन भी है। इसमें भगवान शिव के भव्यतम व्यक्तित्व का गुणगान किया गया है। जी गुरुजी, शिव तो स्वयंभू है, शाश्वत है, सर्वोच्च सत्ता है, विश्व चेतना है और ब्रह्मांडीय अस्तित्व के आधार है। हाँ महेश, क्या तुम जानते हो शिव पुराण का संबंध शैव मत से है। इस पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। गुरुजी मैंने सुना है कि सभी पुराणों में शिव का त्याग, तपस्या, वात्सल्य और करुणा की मूर्ति बताया गया है। कहा गया है कि शिव सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले एवं मनोवांछित फल देने वाले हैं। इसके अलावा शिव पुराण शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से वर्णन करता है। महाशिव पुराण के पहले अध्याय में एक महायज्ञ का वर्णन होता है और सूत जी का परिचय होता है, जहां वो कहते हैं, जो आदि से लेकर अंत में है, नित्य मंगलमय है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनके पांच मुख हैं और जो खेल खेल में जगत की रचना, पालन और संघार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप पांच प्रबल कर्म करते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर उमापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। गुरुजी, सूत जी कौन थे? क्या ये कोई महाज्ञानी, महर्षि या कोई महान राजा थे? राजा नहीं महेश, सूत जी महर्षि व्यास जी के शिष्य थे और शिव महापुराण का पहला अध्याय विद्वेश्वर संहिता एक रोचक समारोह से शुरू होता है। तो गुरुजी, क्या सूत जी भी महर्षि व्यास की तरह ही एक महाज्ञानी थे? कुछ ऐसा ही समझ लो महेश। व्यास जी ने विद्वेश्वर संहिता में कहा है, धर्म का ये महान क्षेत्र जहाँ गंगा यमुना का संगम होता है, ये प्रयाग जो स्वयं ब्रह्मलोक का महामार्ग है, वह एक बार महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ के बारे में सुनकर दूर दूर से कई महर्षि और मुनि इसमें भाग लेने आए और पौराणिक शिरोमणि व्यास जी के शिष्य सूत जी भी वहां महान मुनियों के दर्शन करने पधारे। गुरुजी, महाज्ञानी सूत जी को देखकर महर्षियों ने क्या उनका सम्मान किया? हाँ महेश, सभी मुनियों ने उनका स्वागत व सत्कार किया और उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान रोम हर्षण जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने स्वयं व्यास जी के मुख से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप अनगिनत कथाओं का विश्वकोश है। आप भूत, भविष्य और वर्तमान के विद्वान हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपका यहां आना निरर्थक नहीं हो सकता, क्योंकि आप कल्याणकारी हैं। ये महायज्ञ क्यों आयोजित किया गया था गुरुजी? क्या विश्व तथा भारतवर्ष पर कोई विपदा पड़ी थी? उस समय विश्व कई बदलावों से गुजर रहा था महेश, कुछ अच्छे तो कई बुरे। महर्षियों ने सूत जी से कहा, हे उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, आप शुभाशुभ पुराण विद्या और तत्व का वर्णन करें जिसे सुनने की हमारी इच्छा रहती है। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होकर दुराचार में फंस जाएगा, दूसरों की बुराई करेगा, हिंसा करेगा, पराई स्त्रियों के प्रति आसक्त होगा, मनुष्य मूर्ख, नास्तिक
और पशु बुद्धि हो जाएगा। अतः इस यज्ञ का आयोजन पृथ्वी और मनुष्य के महाकल्याण के लिए किया गया है। तो क्या सूत जी ने इस यज्ञ में महाशिवपुराण का वर्णन किया था? महामुनि ने कहा, सूत जी, कलयुग में वर्ण आश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्मों के आचरण को त्याग कर विपरीत आचरण करने में सुख प्राप्त करेंगे। इस सामाजिक वर्ण संकरता से लोगों का पतन होगा, परिवार टूट जाएंगे और समाज पूरी तरह से बिखर जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं से जगह जगह लोगों की मृत्यु होगी, महारोग फैलेगा, धन का क्षय होगा, स्वार्थ और लोभ बढ़ जाएंगे, यहां तक कि ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे, मद से मोहित होकर दूसरों को ठगेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य हो जाएंगे। क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग कर पापी और दुराचारी हो जाएंगे। शौर्य से रहित हो वे कुकर्मों के अधीन हो जाएंगे। विश्व संस्कार भ्रष्ट होकर कुमार्गी में धकेल दिया जाएगा। लोग अपने धर्म को भुला देंगे और वाद विवाद करने लगेंगे। वे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानकर दुर्व्यवहार, विश्व युद्ध और नरसंहार पर उतर आएंगे। गुरुजी, आज तो हमारे चारों तरफ विश्व इन्हीं सब कुकर्मों से घिरा हुआ है। इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोग महामोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे? इस चिंता से हम सभी आज व्याकुल हैं। तुमने सही कहा महेश, और इसलिए महामुनियों ने काल के नाश और संसार के कल्याण के लिए सूत जी से आग्रह किया। सूत जी, परोपकार के समान कोई धर्म और कर्म नहीं है। इस धर्म और कर्म का पालन करने वाला दूसरों के दुखों को मिटाकर उन्हें सुखी करता हुआ स्वयं भी प्रसन्नता का अनुभव करता है। मनुष्य में यदि यह भावना दृढ़ हो तो उसका हृदय शुद्ध करते हुए उसे परम गति प्रदान करती है।